दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे फल और सब्जी को देखा होगा, हर एक फल और सब्जी का अपना एक कलर होता है और अपना एक टेस्ट होता है। तो कभी आपने ये सोचा दोस्तों इनका कलर और इनका जो टेस्ट है, तीखापन है या किस तरीके का है, ये किस कारक के कारण है या इसका पिगमेंट क्या है दोस्तों? तो आज की वीडियो में हम लोग यही चर्चा करेंगे कि किसी भी फल या सब्जी का कलर और इसका पिगमेंट क्या है, इसके तीखेपन का कारक क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं टमाटर से। किससे दोस्तों? टमाटर से। ये जो टमाटर है, टमाटर को आप लोगों ने देखा होगा, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो दोस्तों किस कारक, किस पिगमेंट के कारण होता है? तो उसमें पिगमेंट पाया जाता है दोस्तों लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग जो है वो लाल होता है दोस्तों। और आंवले का जो कसैलापन होता है दोस्तों वो किस कारण होता है? तो टैनिन के कारण। फिर रिपीट करता हूँ बार बार, टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन। पेन कॉपी कलम उठा लीजिए और लिखते जाइए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगा बाद में कि इनसे हमारे सीजीएल के एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आंवले का कसैलापन टैनिन के कारण। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर कोई बादाम का जो कड़वाहट होती है वो किस पिगमेंट के कारण होती है? तो दोस्तों ये होता है हमारा अमाइलेडिन। किसके कारण होता है दोस्तों? अमाइलेडिन। किसके कारण? अमाइलेडिन। और पपीते में पीला रंग जो है वो किसके कारण होता है दोस्तों? तो कैरिकजेंथिन। किसके कारण? कैरिकजेंथिन के कारण पपीते का रंग जो है वो पीला होता है दोस्तों। मिर्च में चरपराहट जो है वो कैप्सेसिन। किसके कारण होती है? कैप्सेसिन के कारण जो है मिर्च में चरपराहट पाई जाती है दोस्तों। अगला हम बात करेंगे आपसे कि ये जो खीरा देखा है, खीरे में जो कड़वाहट होती है वो किस पिगमेंट के कारण होती है? तो उसमें दोस्तों पाया जाता है कुकुरबिटेसिन। क्या पाया जाता है? कुकुरबिटेसिन। क्या पाया जाता है दोस्तों? कुकुरबिटेसिन। खीरे में जो कड़वाहटपन पाया जाता है वो कुकुरबिटेसिन पिगमेंट के कारण पाया जाता है दोस्तों। करेले में जो कड़वाहटपन पाया जाता है वो मेमोडिकोसाइट के कारण। किसके कारण? मेमोडिकोसाइट के कारण करेले में कड़वाहटपन पाया जाता है। प्याज में जो लाल रंग पाया जाता है वो एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण दोस्तों? एंथोसाइनिन के कारण। अगला हम बात करेंगे प्याज का जो पीला रंग पाया जाता है वो दोस्तों क्वेरसिटिन के कारण। किसके कारण? क्वेरसिटिन के कारण। और गाजर में नारंगी रंग कैरोटिन के कारण। और गाजर का लाल रंग दोस्तों किसके कारण पाया जाता है? एक मिनट का समय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में करके दिखाओ, बताओगे हमको। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ, जो गाजर होती है, गाजर का नारंगी रंग तो कैरोटिन के कारण पाया जाता है, लेकिन गाजर का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण पाया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। कौन सा रंग होता है वो हमारा? एंथोसाइनिन। बेल में कड़वाहट दोस्तों, बेल देखा है, बेल में कड़वाहट किस कारण पाई जाती है, किस पिगमेंट के कारण होती है? तो मार्मोलोथसिन के कारण। किसके कारण दोस्तों? मार्मोलोथसिन के कारण पाई जाती है। पेपर में कड़वाहटपन किसके कारण पाई जाती है? तो दोस्तों ओलिमोरेसिन। किसके कारण? ओलिमोरेसिन। मूली में आइसोसाइनाइड के कारण दोस्तों पाया जाता है। और सलजम में चरपराहट किस कारण पाई जाती है? अगर हम सलजम की बात करें तो सलजम में चरपराहट वो है कैल्शियम ऑक्जले के कारण पाई जाती है। किसके कारण? कैल्शियम ऑक्जले के कारण। अच्छा, जो पीपर में गंध पाई जाती है वो किस कारण पाई जाती है दोस्तों? अगर हम पीपर में गंध की बात करते हैं तो ओलियोरेसिन। किसके कारण? ओलियोरेसिन के कारण दोस्तों पाई जाती है। किसके कारण पाई जाती है? ओलियोरेसिन। क्या नज़र आ रहा है आपको दोस्तों? ओलियोरेसिन। आलू का हरा रंग किसके कारण? सोलेनिन के कारण। और ये जो आलू का हरा रंग वाला पोर्शन होता है वो सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी होता है। तो आलू का हरा रंग किस कारण पाया जाता है? सोलेनिन के कारण। इसके बाद मिर्च में लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण। किसके कारण दोस्तों? मिर्च में लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण। और मिर्च में चरपराहट हमने बताई थी दोस्तों, तीखापन, वो कैप्सेसिन। दोनों ऑप्शन आपके एग्जाम में हो सकते हैं दोस्तों, बड़ा ध्यान से
यानी कि मिर्च में जो लाल रंग पाया जाता है वो कैप्सेंथिन के कारण पाया जाता है, और मिर्च का जो कड़वा तीखापन होता है दोस्तों वो कैप्सेसिन, ऊपर हमने बताया है कहीं पर कैप्सेसिन, यानी कि मिर्च में हम अभी ये देखो दोस्तों बताया है हमने यहाँ पर कैप्सेसिन, ओके, मिर्च में जो चरपराहट होती है तीखापन होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है, और मिर्च का जो लाल रंग होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है, ये चीज़ हमने आपको अभी अभी बताई थी। ज़रा दोस्तों डिस्कस करते हैं दोस्तों, तो मिर्च में जो लाल रंग था वो कैप्सेंथिन के कारण था, किसके कारण था दोस्तों, कैप्सेंथिन, और कड़वाहट थी वो किसके कारण थी, फिर एक बार बोल दो, कैप्सेसिन, कड़वाहट यानी कि चरपराहट जो होती है मिर्च में वो कैप्सेसिन, और मिर्च का जो लाल रंग पाया जाता है वो कैप्सेंथिन, यानी कि दोनों ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए होंगे बट आपको बड़ी सावधानी से ऑप्शन का चुनाव करना है। गाजर में लाल रंग दोस्तों किस कारण पाया जाता है, एंथोसाइनिन के कारण पाया जाता है, किस कारण पाया जाता है दोस्तों, एंथोसाइनिन के कारण पाया जाता है, और गाजर का नारंगी रंग दोस्तों वो किसके कारण पाया जाता है, कैरोटीन के कारण पाया जाता है, कौन से पिगमेंट के कारण दोस्तों, कैरोटीन के कारण जो गाजर का रंग होता है वो नारंगी होता है, और एंथोसाइनिन के कारण गाजर का रंग जो होता है वो लाल होता है, ओके, और तिलहनों के तेल में पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों, तो कैराटिनाइज्ड के कारण होता है, किसके कारण दोस्तों, कैराटिनाइज्ड के कारण, तिलहन जो तेल वगैरह होते हैं उनका जो तेल का पीला रंग होता है वो कैराटिनाइज्ड के कारण जो है इस पिगमेंट के कारण पाया जाता है। तो दोस्तों अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, आपको पता रहे, देखते हैं कितना आप क्लियर कर पाए हो। हमने ऊपर बताया था दोस्तों आपको कि आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप हमें बताओगे दोस्तों। तो इसमें हमने आपको बताया था दोस्तों कि आलू का जो हरा रंग होता है वो किस कारण होता है, तो सोलेनिन के कारण, किसके कारण दोस्तों, सोलेनिन, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, डी ठीक होगा, सोलेनिन, ध्यान रखना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, आरआरबी के 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और इस क्वेश्चन में हम अगर बात करें आपसे तो देखिएगा यहां से दोस्तों कि दूध का जो सफेद रंग होता है वो निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये भी आरआरबी के 2013 में पूछा गया है। तो जो दूध होता है, दूध का सफेद रंग होता है वो कैसीन के कारण, किसके कारण, सी ऑप्शन इज करेक्ट, कैसीन के कारण इसका रंग जो है वो कैसा पाया जाता है दोस्तों, सफ़ेद पाया जाता है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें दोस्तों, तो हल्दी का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, हल्दी का पीला रंग, तो यहाँ पर चार ऑप्शन ए बी सी डी करके आपके दे रखे हैं, तो कौन सा ए वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, कुरुक्रिमिन, ओके, कुरकुरमिन के कारण क्या होता है, हल्दी का पीला रंग होता है, फिर एक बार रिपीट कर दो, कुरकुरमिन के कारण किसका होता है, हल्दी का पीला रंग पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों मिर्च में तीखेपन का कारण क्या होता है, ये यूपीएससी के जो है यूपीपीसीएस में 2016 में आपका पूछा जा चुका है दोस्तों कि मिर्च में तीखेपन का क्या कारण होता है। तो हमने दो चीज़ें बताई थी अभी ऊपर जब हम वीडियो में इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे, एक तो मिर्च का तीखापन के बारे में डिस्कस किया था और दूसरा मिर्च के लाल रंग के बारे में डिस्कस किया था, और मैंने ये भी बताया था ये दोनों ऑप्शन आपके एक साथ रखे हुए हो सकते हैं। तो दोस्तों जो मिर्च का तीखापन होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है, और मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैप्सेंथिन के कारण होता है, तो सिन और थिन में अंतर बनाए रखना दोस्तों। तो मिर्च में जो तीखापन होता है तो कैप्सेथिन, कैप्सेनिन, तो देखो यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है जो कैप्सेसिन पर उपस्थित हो रहा हो, तो दोस्तों कौन सा, बी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि मिर्च में जो तीखापन होता है वो कैप्सेसिन के कारण उपस्थित होता है, किसके कारण दोस्तों, कैप्सेसिन के कारण। अगला
क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपके करेले में, करेले के कड़वापन, जो करेला देखा है करेले में जो कड़वापन होता है वो किस कारण होता है, वो SSC के CPU एग्जाम में 2015 में पूछा गया है। यहाँ पर आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। रिपीट कर देते हैं एक बार क्वेश्चन कि करेले का कड़वापन किस पिगमेंट के कारण होता है, तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ओके, कौन सा? मैमोडिकोसाइड के कारण, मैमोडिकोसाइड के कारण क्या होता है, करेले में कड़वापन पाया जाता है। अगला, खीरे का कड़वापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है, दोस्तों खीरे का ऊपर का हिस्सा जब भी हम नहीं काटते तब तक वो कड़वा लगता रहता है, तो दोस्तों ये किसकी उपस्थिति के कारण ये कड़वापन लगता है, तो अगर हम बात करें तो कुकुरबिटेसिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है खीरे में। कौन सा? कुकुरबिटेसिन। थोड़ा सा लिखने में दोस्तों मिस्टेक हो गई, यहाँ पर सही से कर लीजिए, कुकुरबिटेसिन क्या होता है दोस्तों, कुकुरबिटेसिन नामक जो है पिगमेंट पाया जाता है उसके कारण इसका रंग जो है खीरे में कड़वापन पाया जाता है दोस्तों। अगला, हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे जो टमाटर में, ये भी SSC के CPU में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी ना कभी कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। टमाटर के लाल रंग का कारण क्या होता है, टमाटर का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है, तो किसके कारण होता है दोस्तों, तो हम बताते हैं लाइकोपिन। क्या पाया जाता है, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है उसमें दोस्तों, लाइकोपिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, उसके कारण टमाटर का रंग जो है वो लाल होता है। अगला, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण नारंगी होता है। देखो गाजर दो तरीके की हमने देखी, एक नारंगी कलर की होती है, दूसरी लाल कलर की होती है, तो जो लाल कलर होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, लेकिन गाजर का जो नारंगी कलर होता है दोस्तों वो कैरोटीन के कारण होता है। तो देखो चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको मिल पा रहा है, जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा कौन सा है, कैरोटीन। हमको बी ऑप्शन मिला है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। कैरोटीन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण गाजर का रंग जो है वो कैसा होता है, नारंगी होता है। अगला, पपीते में पीले रंग का क्या कारण है दोस्तों, फिर रिपीट करता हूँ, पपीते में पीले रंग का क्या कारण है दोस्तों, तो कैरेक्जोन्थिन एक पाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों यहाँ पर भी, तो सी ऑप्शन क्या है आपका सही है, कौन सा, कैरेक्जोन्थिन नामक पिगमेंट के कारण पपीते का रंग जो है वो पीला होता है। मूली, जो मूली होती है, यहाँ पर भी थोड़ा ठीक कर लेना दोस्तों, मूली लिख दिया, मूली का तीखापन जो है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो मूली का जो तीखापन होता है दोस्तों वो आइसोसाइनाइड के कारण, किसके, ए ऑप्शन इज हमारा इज करेक्ट, यानी कि आइसोसाइनाइड की उपस्थिति के कारण मूली में तीखापन पाया जाता है दोस्तों। अगला हम बात करेंगे कि मिर्च का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। देखो एक तो मिर्च का तीखापन की बात की थी तो कैप्सिसिन था, लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों मिर्च का लाल रंग तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, जरा बता दो, तो हमने बताया था आपको कि जो मिर्च होती है और उसका लाल रंग होता है वो कैप्सेंथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, कैप्सेंथिन के कारण होता है, तो डी ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा दोस्तों। अगला हम बात करें कि आंवले में कसैलापन किसके कारण उपस्थित होता है, तो इसमें चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, बी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि टैनिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है दोस्तों, आंवले में कसैलापन पाया जाता है, कौन से पिगमेंट के कारण, टैनिन पिगमेंट के कारण। तो अब दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और एक लाइक और सब्सक्राइब से दोस्तों मुझे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।